आपके पास वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाए, यूजर मल्टीपल चीजें इनपुट कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम करते हैं एक नई फाइल बना देते हैं कोड teams.py और इसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं प्लेयर नेम इज इक्वल टू इनपुट राइट द नेम ऑफ अ प्लेयर। ठीक है, अब हमने अब प्लेयर का नाम क्या हो सकता है, इफ प्लेयर नेम इज इक्वल टू बाबर तो प्रिंट करवाएं टीम पाकिस्तान। ठीक है, इफ प्लेयर नेम इज इक्वल टू किसी और टीम का बंदा, कोई और नाम, नाम आने से वी आई आर ए टी। ठीक है, तो प्रिंट टीम इंडिया। अच्छा, और कोई प्लेयर का नाम कर लें, इफ प्लेयर नेम इज इक्वल टू आर ओ वाई रॉय प्रिंट टीम इंग्लैंड। ठीक है, तो इस तरह अब यहां पर आपकी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बेताशा नाम हो सकते हैं। ठीक है, और हर एक के लिए फिर आप वो मल्टीपल हर दफा कंपैरिजन कर रहे हैं। घर से हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, ज्यादातर पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ पाइथन टीम्स डॉट पाई, तो वो पूछता है नाम और मैं लिखता हूँ बाबर, तो वो बताता है कि टीम पाकिस्तान है, तो इसका मतलब हमारा कोड काम कर रहा है। लेकिन वो कोई भी नाम के लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको लिखता हूँ रॉय, तो क्या होगा, पहले वो ये कंपैरिजन करेगा, फिर वो ये कंपैरिजन करेगा, फिर वो ये कंपैरिजन करेगा, वो करता जाएगा। तो वो अगर 100 बंदों की आपने वो बनाई हुई है तो वो 100 दफा कंपैरिजन होगा, 200 लाइनों का कोड होगा और वो बड़ा फौरी वाला काम है। तो और मसलन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो पाइथन हमें एक और कंडीशनल ऑपरेटर देता है, कंडीशनल कीवर्ड देता है जिसका नाम है मैच, और यहां पर हम कोई नेम दे सकते हैं प्लेयर नेम। ठीक है, और यहां पर करते हैं केस मसलन बाबर। अब इसके ऊपर हम यहां पर आउटपुट करेंगे प्रिंट टीम पाकिस्तान। और ये वाली स्टेटमेंट अब हम कॉपी कर सकते हैं जितने भी प्लेयर्स के लिए आप करना चाहते हैं। और कोई बंदे का नाम बताएं, रॉय हो गया तो वो टीम इंग्लैंड था, विराट हो गया तो वो टीम इंडिया था। ठीक है, और कोई कौन, अच्छा अच्छा अब यहां पर एक और प्रॉब्लम देखें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बाबर है, अगर मैंने बी कैपिटल लिख दिया तो क्या होगा, अगर मैंने टाइप करते हुए अगर मैंने नाम गलत लिखा तो फिर वो कोड क्या करे। ठीक है, मैंने कोई ऐसा नाम लिखा जो मेरे डेटाबेस में है ही नहीं तो फिर वो कोड क्या करे, उसके लिए हम क्या करते हैं केस अंडरस्कोर। ठीक है, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर यहां पे आ जाए और आकर क्या करे कि वो कहे कि भाई कौन किसी बात कर रहा है, मुझे नहीं पता इस प्लेयर का। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, मसलन मैं उसे चलाता हूं और मैं कहता हूं व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर और मैं नाम लिखता हूं बाबर, तो कौन। ठीक है,
अब इसका हल हम क्या करेंगे, किसको कैपिटलाइज करें, ये वाले बाबर को, फिर इसको भी करें, फिर इसको भी करें। आपके पास जो डाटा पड़ा हुआ है सारा क्या है, स्मॉल केस, तो या तो सारों को आप कैपिटलाइज करते रहें या आप क्या करें, क्या करें, वो जो ऊपर वैल्यू लिया है उसको ही लोअर केस में कन्वर्ट कर ले हम एक दफा में, हो सकता है। अब हम ट्राई करें तो टीम पाकिस्तान, ओके। तो आपने ऊपर उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस कर लिया और अब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग्स को जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर अच्छा, अब आपके पास मल्टीपल लोग भी तो हो सकते हैं, मसलन केस कोई और पाकिस्तानी, शादाब, ठीक है। तो उसके लिए फिर अगली लाइन लगाएंगे, प्रिंट पाकिस्तान, हाँ, अकलमंदी की बात है। और अगर 11 प्लेयर्स हैं तो फिर 11 दफा टीम पाकिस्तान लिखेंगे, नहीं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहां पर और का ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें, और के लिए यहां पर हम यूज कर, या चले ट्राई कर लेते हैं ऐसे, चाहे डी ए बी, नहीं तो इसमें ये नहीं इस्तेमाल कर रहा। और के लिए हम यहां पर लगाते हैं ये वाला ऑपरेटर, ठीक है, ये आपके एंटर के कहीं आसपास होता है, पाइप, इसको हम कहते हैं, सीधी लाइन लगी हुई है, क्या कहते हैं, पाइप कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप सारे प्लेयर्स के नाम लिख देते हैं, और कौन है, इमरान है, चलें, और कौन है, आफरीदी है जी, और कौन है। तो अब एक लाइन में आपने एक टीम के सारे बंदे डाल दिए, अब आप क्या करें, आप इसको रन करके देख लें, यहां पर इसको रन करके देखें, और मैं कोई भी नाम लिखता हूं, मसलन मैं शाहीन लिखता हूं तो वो टीम पाकिस्तान कर रहा, ठीक है जी।